सभी का चंचल किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी रसगुल्ले। इनको हम पहले मिक्सी में पीस लेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। हमने अपने अपने स्ट्रॉबेरी पीस लिए। इसमें अगर मोटी मोटी कोई दाने रह गए हो तो उसे आप निकाल दीजिएगा। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। आप देख सकते हैं हमने अपने रसगुल्ले बनाने के लिए अपना दूध फाड़ लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम हाथ से मैश कर लेंगे। जब तक हम इसे मैश कर रहे हैं, साथ में हम अपनी चाशनी भी रख देंगे बनने के लिए। हमने गैस चालू कर दी, गैस पर कढ़ाई रख दी अपने। इसमें हम डालेंगे आधा लीटर पानी और एक कटोरी में डालिए चीनी। इसे मिक्स कर देंगे हम। जब तक हमारी चीनी मैश हो रही है पानी में, जब तक हम तीली की सहायता से अपने छेने को सॉफ्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा छेना धीरे धीरे करके अच्छी तरह से मैश होने लग गया है और ये चिकना भी होने लग गया। आप हाथ देख सकते हैं कि तेल घी आने लगा है। अब हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। साथ ही हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है, चीनी भी घुलने वाली है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा दिया था, आधा ग्लास। हमारा बैटर बनके तैयार है। पहले हम इसकी एक छोटी सी गोल बॉल बना के तैयार देख करके देखेंगे, इसमें क्रैक तो नहीं आ रहा। अब इसमें हल्का सा क्रैक आ रहा है, इसे हम थोड़ी देर और मस लेंगे। हम दोबारा से अपनी एक बॉल बना के छोटी सी ट्राई करेंगे। और आप ध्यान रखें, जब भी आप रसगुल्लों को चाशनी में डालें, चाशनी बहुत अच्छी तरह से बॉयल होनी चाहिए, उसे बहुत अच्छी तरह से फैलाना चाहिए और फुल गैस पे रखें। हम अपनी बॉल इसमें डाल के देख रहे हैं हमारी बॉल सही बनी है कि नहीं। हमारी बॉल फटने लगी है, यानी कि हमारा पेस्ट सही बन के तैयार है। हम इसी तरीके से अपनी सारी बॉडी बना के तैयार कर लेंगे। हमने अपनी आधी से ज्यादा बॉल इसमें डाल दी है। हमने लिया था आधी किलो दूध।
जिसमें हमारी ये बॉले इतनी बनके तैयार है। हम इसमें इलायची नहीं डालेंगे क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के गुलाब जामुन रसगुल्ले बना रहे हैं। सॉरी, गुलाब जामुन निकल गया। इसे हम 5-10 मिनट के लिए ढक कवर कर देंगे तेज फ्लेम पे, जिससे इसका साइज डबल हो जाएगा। थोड़ा सा बीच में कर चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इनका साइज डबल हो चुका है। अब हम गैस को थोड़ा लो कर देंगे और फिर लो गैस पे 10 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी स्ट्रॉबेरी। अब हम स्ट्रॉबेरी के साथ भी इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर सारा हमारे इसके अंदर आ जाए, बॉल्स के अंदर। और हम इसे थोड़ा गाढ़ा, जब तक हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी नहीं होती, जब तक इसे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी काफी हद तक कम हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ी देर और चलाएंगे, इससे थोड़ी और कम हो जाए और उसके अंदर अच्छी तरह से फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। हमारे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर गुलाब जामुन बनके तैयार है। अब हम गैस को कर रहे हैं बंद और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद इसकी करेंगे प्लेटिंग। हमारे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर गुलाब रसगुल्ले बन के तैयार है। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।